कहाँ जा रही है? छोड़ो छोड़ो मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ जा रही है? दारू पी हुई है, कोई गलत फायदा उठा लेगा आपका। कितना लेती? क्या लेती है आप बताओ? क्या क्या रेट पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है? बताती तुझे। आजा रेट पूछा। इधर घसीट कर रही हो? बताओ, ये आदमी है, अगर रात को लड़की फंस जाए तो ये रेट मांग रहे हैं। आदरा तेरी माँ बहन बताएंगे क्या रेट देती है? जरा सा झूम लू मैं। कैमरामैन नाना ना कर रहा यार, मैं क्या करूँ? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और आज मैं पूरी रात घर नहीं जाऊंगी। मेरे घर पर लड़ाई हो गई है और मैं पूरी रात पीऊंगी इसी सुनसान इलाके में। अरे यार घबराइए मत। सो ये है, आपकी फीस डली हुई है, कोई रियल नहीं है, देख के समझ तो गए होगे दारू की बॉटल और मेरी हालत। तो आज मैंने सोचा कुछ अलग सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वुमेन सेफ्टी के हमने काफ़ी सोशल एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वैसे तो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं, बट आज मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर एक लड़की अकेली रात में होगी और अकेली रात में होगी लेकिन अपने नॉर्मल हालात में नहीं होगी और ड्रंक होगी, होश में नहीं होगी, तो ज़रा ये देखते हैं कि उस हालात में उस लड़की के लोग फ़ायदा उठाते हैं या उस हालात में भी लोग मदद करते हैं। तो चलिए सीधा वीडियो में लेके चलते हैं और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन होता है। तो मेरे राइट में शायद एक बंदा आ रहा है और मैंने बड़ी मुश्किल से सुनसान लोकेशन देखी है, तो एक बंदा आ तो रहा है बाइक में, देखो कैसा है, मदद करता है, क्या करता है। तो चल वो आने वाला है, मैं इतने यहाँ राउंड मारती हूँ, थोड़ा ड्रंक की एक्टिंग करती हूँ उसके लिए। क्या कहाँ जा रही है? मैं तुमसे मतलब है कहीं भी जाऊँ देख के नहीं चलता क्या? तूने भी पी रखी है क्या? मैंने नहीं पी रखी, तूने तो पी रखी है। तो तेरी लेके पी है? नाम क्या है? क्या लोग शांति से पीने भी नहीं देते क्या? कौन सी जगह है ये? जगह मुझे नहीं मालूम, नाम तो बता तू। नाम का क्या करना है? देखो यहाँ कोई और मिल सकती है, मेरी खत्म होने वाली है बॉटल, में कोई एक और चाहिए। चल मैं तेरे को दिला देता हूँ। अच्छा मैं तेरे को दिला देता हूँ, मैं खुद ले लूंगी, मैं अपने पैसों की पीती हूँ, फालतू की नहीं पीती। अरे छोड़ ना, मैं दिलाता हूँ। अरे तू मुझे हाथ छोड़, हाथ क्यों लगा रहा है? मैडम कहाँ जा रही है? क्या है यार, कोई शांति से पीने भी नहीं देता, तुम्हें क्या मतलब? आइए हम छोड़ दे रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? कहाँ छोड़ोगे? जहाँ जाना चाहिए। मेरा कोई घर नहीं है। तो हम ले चलेंगे घर, ले दिला देंगे। घर दिलाओगे तुम? अरे और क्या, गाड़ी लेके आए हैं, आइए छोड़ दे रहे हैं। कहाँ जा रही है? दारू पी हुई है, कोई गलत फायदा उठा लेगा आपका। हम चले जाएंगे, हटो आइए मेरे साथ आइए। अरे छोड़ो, हमें नहीं जाना। इधर आइए। कहाँ? हमें नहीं जाना। अरे गाड़ी देखिए, कहाँ आप घूम रही हैं ऐसे ऐसे दारू पी के? इधर आइए। अरे मैं चली जाऊंगी कहाँ, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। अरे आ जा। अरे छोड़ ना, चल। कहाँ जाऊँ? अरे चलना मेरे साथ, हट यहाँ सामने से। अरे मैं छोड़ दूँ? अरे कहाँ छोड़ेगा, जिसके साथ आई थी साला हरामी दूसरी के साथ चला गया। पार्टी में गए थे, उसे दूसरी मिली, दूसरी के साथ चला गया। तुम पता है तुम सब लड़के सारे हरामी एक जैसे। छोड़ देना तेरे को एक बार। देख भाई मेरे को शांति से पीने दे, मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ इधर आइए। अरे मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। अरे छोड़ो,
छोड़ो मुझे। अरे आप छोड़ो, तो छोड़ो मुझे, नहीं जाना, तो छोड़ो मुझे। अंदर बैठो। कहाँ अंदर बैठू, कहाँ अंदर बैठू? मार क्या रही है? काहे मार रही हूँ, कहाँ लेके जा रहे थे? क्या हाँ, क्या समझो, पी रखी हमने, साले सर फोड़ देंगे इसी बोतल से तुम्हारा। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं नहीं गया, कहाँ लेके जा रहा है बोल? तू पी नहीं क्या? हाँ पी नहीं तू क्या? कहाँ लेके जा रहा था? कहाँ लेके जा रहा था? कहाँ बोलना, कहाँ छोड़ने जा रहा था? चल चला, कहाँ कहाँ बोलना, कहाँ? हाँ मतलब तुम अकेली लड़की देखी नहीं, तुझे क्या लगा नशे में है तो फायदा उठा लो? छोड़ने के हाथ पकड़ के खींच खींच के तुझे छोड़ूंगी तो मैं रुक जाऊंगा, तुझे तो घर मैं छोड़ूंगी ना। आज पुलिस आ रही है, पूरी टीम आ रही है, माइक दिख रहा है, माइक दिख रहा है ये? कितना लेती है? क्या लेती है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? वही क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ बोल, क्या बता, क्या क्या रेट पूछ रहे हैं? रेट पूछ रहे हैं बताती तुझे, आ जा रेट पूछा, इधर 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 घसीट कर रही हो, बताते हैं ना, ये दिख रहा है माइक, और देख उधर कैमरा लगा हुआ है, बताओ ये आदमी है, अगर रात को लड़की फंस जाए तो ये रेट मांग रहे हैं। आज रात तेरी माँ बहन बताएंगे क्या रेट देती है? तो आपको, तो क्या बता रहा था? तो रुक जाना, खड़ा रहना, भाग कर रुक जाना, पुलिस आ रही है ना, पुलिस आ रही है ना, देखना रेट लगा रहा, बताओ तुम सर फोड़ दूंगी साले तेरा, रुक पुलिस आ रही है ना, रुक पुलिस आ रही है, रुक जाना साले, तेरा नंबर नंबर सब ले लिया, तेरा चेहरा भी ले लिया, क्या मदद की है? रेट पूछ रहे हैं, गाड़ी में लेके जाओ साले, तुम जैसे करके छोड़ दो हरामी साला, रुक जा पुलिस आ रही है, नंबर तेरा फोन सब ले लिया है, चेहरा भी आ गया तेरा, कहाँ कहाँ बाइक कहाँ लेके जा रहे हैं? रुक ना साले, साले जाकर है, रुक ना। तो पुराने वाले तो जो आए थे तो बिल्कुल हफ्सी दरिंदे निकले, वैसे सामने से एक और आ रहा है, तो तू जरा देख ले वो कैसे निकलता है। अरे बहन जी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, आपसे मतलब? हाँ कहाँ जाना है? कहीं नहीं, ऐसे ही घूम रही हूँ। एरिया बहुत सही नहीं है। मेरे को डर नहीं लगता, तेरे को क्या प्रॉब्लम? मेरे को डर नहीं लगता, कोई नहीं है मेरा, मेरा कोई नहीं है, मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को तू प्लीज पीने दे। अरे मैं पीजिए जरूर, लेकिन ये एरिया में आप ना रुकिए। क्यों क्या हो जाएगा? कौन क्या कर लेगा मेरा पता? क्या कर लेगा? आप अपने भाई जैसे समझिए। भाई? जी मैम। अरे भाई आप काहे पसंद हो? भाई तुम भाई 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 बोल गई तो तुम करते हो सालो? अभी दो मिले थे। बहन जी आप यहाँ से मत आइए, वो जैसे जैसे भी थे दो लोग, लेकिन हम ऐसे नहीं, आप अपना बिल्कुल भाई जैसे समझिए, कहिए तो मैं आपको घर छोड़ दूँ। घर मेरा कोई घर नहीं है। अरे मैम ऐसा क्या कह रही है आप, बताइए। हाँ। आप नंबर दे दीजिए तो मैं फोन कर दे रहा हूँ। मैं बेघर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, प्यार नहीं करता। हाथ मत लगा, तू भी हाथ क्यों लगा रहा है, हाथ क्यों लगा रहा है? आप अपने वो भाई समझ के करिए, आप वो नंबर दे दीजिए, वो मैं फोन कर दे रहा हूँ। किसे फोन करोगे? आपकी फैमिली को कर दे रहा हूँ। तुम सब एक जैसे होते हो, मुझे कोई नंबर नहीं देना। आपको समझ नहीं रही है, तुम जाओ ना, तुम्हें भी फायदा ही उठाना होगा। नहीं बहन जैसी है, कोई मैं फायदा नहीं उठा रहा हूँ, आप चाहें तो आप, मैं बिल्कुल यहीं पर रुक जाओ, आप पी लीजिए पहले। अरे ये भी खत्म होने वाली है, ये इसने भी साथ छोड़ दिया, कोई नहीं अपना, तो अब आप घर निकल जाइए और क्या कहिए। तो मुझे नहीं जाना घर, मैं नहीं जाऊँगी आज घर, बोल क्या कर लेगा, मैं यहीं रहूँगी, यहीं हटो यार, मेरे परेशान हो। ठीक है मैम आप यहीं रुक जाइए, मैं भी आप यहीं पर रुक जाऊँ, ये इलाका सही नहीं है। तू क्या करेगा, तू भी पिएगा? इसमें दो नहीं पी सकते, एक ही पी सकता है। बिल्कुल आप ही पीजिए, मैं आप नहीं पी रहा हूँ। देखो मेरी दारू चाहिए ना? हाँ दारू मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? आप यहीं पे बैठिए, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, जब तक क्या। तो कब तक रुकेगा? मैं तो पूरा रात पूरे दिन, मैं तो आज यहीं रुकने वाली हूँ, मैं तो यहीं रुकूंगी। मैं भी यहीं रुक जा रहा हूँ, आप परेशान ना होइए, इलाका सही नहीं, इसलिए मैं आपको सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। खड़ा रहे, तेरा तेरी मर्जी, खड़ा रहे, मैं तो आज यहीं पीऊंगी। चलिए आप बिल्कुल हम रुक जाइए, हम भी यहीं पर रुके हैं, जब आप रुके रहो तो बताइएगा हम छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ाओगे? कहीं आपका घर है मैम? मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे को निकाल दिया घर वालों ने। अरे तो आप ऐसे क्यों कह रही, क्यों निकाल दिया, क्या हुआ? ऐसे ही। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आप चली जाइएगा अभी।
ठीक है मैडम, मैं यहीं पर रुक जा रहा हूँ। ये मैं आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल नहीं सही है। मैं यहाँ पे सुबह तक ही रुका हूँ, आप परेशान ना होइए, मैं दूर यहाँ पे खड़ा हो जा रहा हूँ। जब तक मैडम यहाँ पे उजाला नहीं हो जाता तब तक मैं आपको अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। आप बात मानिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो तुम यहीं खड़े रहोगे? हाँ, मैं उजाले तक ही खड़ा हूँ, आप परेशान ना होइए। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। भैया जी, मैं एक घंटा होने को आया, आप यही सच्ची में यहीं खड़े रहोगे? अरे मैम, आप समझ नहीं रही, एरिया ये सेफ नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए रुका हूँ। कोई बात नहीं है बहन। वाकई अजय, अब तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है आपको भाई बोलने का। एक बात बतानी थी, गुस्सा मत होना। जी जी बिल्कुल बताइए। एक्चुअली मैंने कोई पी भी नहीं है, मैं पूरा होश में हूँ। ये दारू नहीं थी, एप्पी फिज थी। कि मतलब आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे सॉरी भैया, भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो मैं एक्चुअली एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि अगर रात में अगर लड़की फंस जाती है, या फिर अगर किसी भी वजह से, कई बार लड़की अकेली होती है, दुखी होती है किसी कारण और परेशान है और पी रही है, तो जनरली लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बस मैं ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि ऐसे हालात में अगर लड़की को कोई पाता है तो उसके साथ उसकी जेन्युइनली हेल्प करता है या उसके साथ बदतमीजी करता है, या क्या रिएक्शन आता है। तो थैंक यू सो मच, आपके जैसे लोग रहेंगे तो वाकई हमारी देश की बहनें, औरतें, लड़की सब सुरक्षित हैं। और आप सीरियसली सैल्यूट है आप जैसे लोगों को। आप यहाँ पे खड़े रहे, एक घंटे से आप खड़े हैं, और आपने बोल दिया जब तक उजाला नहीं होगा आप जाओगे नहीं। तो थैंक यू सो मच, और मैं गर्व से कह सकती हूँ आप जैसे लोग हैं तो हमारी देश की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। और थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे आज वाकई इतना मेरा दिल दुखा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बीच में ये एक्सपेरिमेंट बंद करना चाहती थी, क्योंकि जो दो दरिंदे मुझे मिले थे वो बाइक में और वो गाड़ी वाला, मतलब थू है, शर्म की बात है कि आपको एक लड़की अगर मिल गई और वो किसी भी हालात से अगर सपोज ड्रिंक कर रही है, यार इंसान की बहुत टेंशन होती है, वो परेशान हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, घर में कुछ इशू हो सकता है। अगर आपको कोई ड्रंक कंडीशन में मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो कि अरे वो ड्रंक थी तो फ़ायदा उठा लिया। अरे आप जानवर थोड़ी है कि अगर आपको कोई मिल जाए तो आप टूट पड़ोगे उस पर, इंसानियत भी कुछ होती है। तो प्लीज़ अगर ये तो मैं तो उन्हें इंसान ही नहीं बोलूँगी, वो लोग जानवर से भी बदतर थे कि उन्होंने मेरे साथ मेरी टीम ना होती, और वाकई अगर मैं ड्रंक होती तो पता नहीं ये लोग क्या हादसा कर देते। और ऐसे लोग वही हैं जो आए दिन ये लड़कियों को अकेला पाके उनके साथ ये गंदे गंदे हादसे करते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट था वो। बट मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर जेन्युइनली आपको अगर कोई इस हालात में मिलता है तो प्लीज़ मुसीबत का फ़ायदा ना उठाएं। प्लीज़ अगर आपको कोई लड़की मिलती है, देखो आपके घर की भी माँ बहन हो सकती हैं, जैसे आप अपने घर की बेटियों को और बहनों को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे दूसरों की बेटियों को और माँ बहनों को भी आपने एक इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। और कभी अगर आपको ऐसा कोई मिलता भी है तो जेन्युइनली उसकी हेल्प कीजिए, मौके का फ़ायदा ना उठाएं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैसेज के फॉर्म में सब तक पहुंचे। और फिर भी मैं प्राउडली बोलूंगी कि थैंकफुली वो जो तीसरे बंदे मिले थे उन्होंने मुझे हेल्प की। और वाकई देखो, नेगेटिव कुछ नेगेटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे, बट हाँ काफी पॉजिटिव लोग हैं जो आपकी आगे आपके मदद करते हैं। सो प्लीज ये मैसेज मैं देना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से शेयर करना ताकि मैसेज सब तक पहुंचे। थैंक यू, लव यू, बाय।